इंदौर के जूनी इंदौर मुक्ति धाम में एक शख्स लगातार 40 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। यहां तक कि अपने घर में होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने से कतराता है। हाल ही में उसके घर शादी समारोह हुआ, परंतु वह मुक्ति धाम में आए हुए शव के अंतिम संस्कार में लगा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोहन कल्याण की, जो सुबह 6 बजे से मुक्ति धाम में आकर देर रात तक सेवा में जुटे रहते हैं। विनय वर्मा के साथ कैमरा पर्सन टोनी वैर की खास रिपोर्ट। इंदौर का जूनी इंदौर मुक्ति धाम एक ऐसा स्थान है जहां शहर के कई इलाकों से अंतिम संस्कार के लिए शवों को लाया जाता है। औसत मुक्ति धाम में 10 से 15 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लोग सुबह 6 बजे से ही क्रियाक्रम के लिए यहां पर आने शुरू हो जाते हैं। इनकी सेवा के लिए सोहन कल्याण पिछले 40 वर्षों से निरंतर 6 बजे मुक्ति धाम पहुंच जाते हैं। फिर चाहे उनके घर में कोई आयोजन हो या फिर कोई सामाजिक समारोह हो, सोहन कल्याण उसमें भी सम्मिलित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि उनको यह भी याद नहीं कि पिछली छुट्टी उन्होंने कब ली थी। सोहन की यही सोच कर नहीं जाते कि यहाँ आने वाले शव के अंतिम संस्कार की किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वे रोजाना सुबह 6 बजे मुक्ति धाम पहुंच जाते हैं। 2 दिन पहले ही उनके घर में शादी समारोह था, लेकिन कल्याण मुक्ति धाम में सेवा दे रहे थे। घर से उनके फोन आया कि घर बारात आ गई है, अब तो आ जाओ। उस पर कल्याण का जवाब था, कुछ शव बाकी हैं, अभी उनका अंतिम संस्कार हो जाने दो, फिर आता हूँ। ऐसे सोहन कल्याण कई बार सामाजिक संस्थाएं उनका सम्मान भी कर चुकी है। पहली और दूसरी लहर में जब परिवार के लोग ही शवों को हाथ नहीं लगा रहे थे और 50 फीट दूर से खड़े होकर दिवंगतों को देख रहे थे, तब भी ऐसे मुश्किल समय में सोहन कल्याणी उन शव का अंतिम संस्कार निडरता से कर रहे थे। हालांकि शहर की कई संस्थाओं ने कोरोना योद्धा के रूप में कई लोगों को सम्मानित किया, लेकिन शहर के मुक्ति धाम में सेवा दे रहे सेवादारों का ध्यान किसी को नहीं आया। यह ऐसा मुश्किल दौर था जब अपने ही अपनों को कंधा देने से कतरा रहे थे, तब ऐसे सेवादारों ने उन्हें शवों का पूरी कर्मठता के साथ अंतिम संस्कार किया। वास्तव में प्रशासन को भी ऐसे सेवादारों का सम्मान करना चाहिए था। मेरी पूरी टीम जुड़ी हुई है इसमें, सब लोगों का सहयोग रहता है इस कार्य में। लोग जो सहयोग करते हैं दान पुण्य के हिसाब से, उस कार्य को हमने आगे बढ़ा रखा है। ये सोच ऐसी आई सर हमारे को, कोई थाने से फ़ोन आ जाते हैं, और भैया और पिताजी करते थे, उसके आगे हमने साथ जुड़ गए भैया से, पापा के साथ तक। ये मतलब तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी है तैयार हो गई। मैं पिछले साल 1997 से कर रहा हूँ, 1997 से करते आ रहा हूँ मैं, और अभी तक मैंने अनगिनत शव का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार किया कर चुका हूँ। हाँ, काम किया, घर ही नहीं गए हम तो, लॉकडाउन में यहीं पर रहे, और ये समझो कि बहुत सारे लोगों ने मदद करी। सब आते थे हमारे, दूर खड़े रहते थे, परिवार के लोग भी खड़े रहते थे, हमने भी सम परिस्थिति में कार्य किया। हाँ बिल्कुल नीली भैया जी, मैं तो भूल ही गया कि मेरी छुट्टी कब रहती है। मैं तो 300 दिन ही आ जाता हूँ, क्योंकि मरने वालों की छुट्टी हो तो मेरी छुट्टी होगी भैया जी, इसलिए मेरे को आना ही पड़ता है, बार हो त्यौहार हो कोई सा भी हो। ये हमारे कलीम भाई लेके आते हैं, 2 लावारिस गाड़ियाँ थी, ये थानों के माध्यम से लाए हैं,